हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ आरसीआई की तरफ से जो सीआरई प्रोग्राम कंडक्ट कराए जाते हैं, हम सभी लोग उन सीआरई को अटेंड करते हैं क्योंकि हमें 5 साल से पहले पहले 100 पॉइंट ऐड करने होते हैं ताकि हमारा 5 साल बाद जब आरसीआई का जो रजिस्ट्रेशन है वो उसकी जो है वैलिडिटी वो ख़त्म हो जाए तो हम रिन्यू करा पाएँ। अब दोस्तों, हम लोग सभी ऑलमोस्ट सीआरई अटेंड करते रहते हैं। अभी दोस्तों सभी को बताएं कि डब्ल्यूएचओ के जो कोर्सेज़ हैं उनको करने के लिए आरसीआई का एक सर्कुलर आया था कि आप 12 में से 10 कोर्स कर लीजिए, तो कई लोग कर चुके हैं और उसको मेल वगैरह कर चुके हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर अभी तो उसकी अपडेट जो है वो नहीं मिल पाएगी, मगर मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि आप किस तरह से एक महीने बाद या अब से पहले जो भी आपने सीआरई प्रोग्राम अटेंड किए हुए हैं उनका स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप फ्रेशर हो, आपको नहीं पता किस तरह से करना है, तो मैं आपको बिल्कुल नए सिरे से बता देता हूँ, ये वेबसाइट भी बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आरसीआई रजिस्ट्रेशन, तो दोस्तों ये वेबसाइट आ गई, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, rsi.nic.in और ये हैव काउंसिल SCERT। तो दोस्तों यही आपको सेम टू सेम टाइप करना है। इस पर क्लिक करता हूँ मैं तो दोस्तों ये सेम पेज आ जाता है। अब मेरा जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मैं बता देता हूँ, ये जनरल में किसी का भी वैसे बता देता हूँ, जैसे B52 यहाँ पर काफ़ी सारे आ जाने चाहिए, 607 यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों ये जो आ जाता है यहाँ पर देख लीजिए, जो जो कंडक्ट किए गए हैं उनकी लिस्ट आ गई है। अगर एक दिन का किया गया है तो 6 पॉइंट है, 3 दिन के किए गए हैं तो 18 पॉइंट आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अभी यहाँ पर WHO की तरफ से जो कोर्सेज़ कराए गए हैं उनको जो किया गया है उनकी अपडेट अभी नहीं हुई है, वो अपडेट हो जाएंगे। फिर भी आप किस तरह से चेक कर सकते हैं वो मैंने आपको जनरल यहाँ पर बता दिया है, और दोस्तों यही आपको करना है, वेबसाइट भी मैंने आपको बता दी है और आसानी से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वेबसाइट है और इस तरह से आप जो है अपनी जितनी भी सीआरई आपने अटेंड की है उसका पता लगा सकते हैं। ये पेज आ जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर आरसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद क्लिक टू जनरेट करना है और आपका जो है पूरा मतलब जो है अपडेट आ जाएगी कि कितनी आपने सीआरई अटेंड की हुई है। अगर आपने कोई सीआरई अटेंड की है और उसके नंबर नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों आप जो है उस सर्टिफिकेट को जब रिन्यू कराएंगे तो उसको अटैच कर सकते हैं, या फिर आप जब भी रिन्यू करवाएंगे तो अगर आप ऑफलाइन भी भेजेंगे तो उसको स्कैन करके उसकी फोटोकॉपी भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।